आ रहे हैं सबके, बिजली वाले भी कोई आए हैं? आओ है सर, यहाँ क्या बोल रहा है लोग? और एप्लीकेशन दिए थे सर, चलो ना, एक सेकंड रुकिए भैया। सर हम चुनावी दौरा है क्या क्षेत्र में, लोगों से मिलने जुलने का क्या? चुनाव ऐलान हो गया क्या? कुछ चुनाव तो घोषणा हुआ नहीं, ये तो आपके मन की उपज है। हमारा क्षेत्र है, हम सब वार्ड में घूम रहे हैं और सब वार्ड की समस्या जान रहे हैं। यहाँ जो नगर परिषद में जो वार्ड है, मुख्यतः जितने वार्ड हैं जिसमें अति पिछड़े दलित समुदाय के लोग रहते हैं, उन सभी वार्डों में एक समस्या थी जल निकासी, जल जमाव का। और जल जमाव होने के कारण लोगों का जीवन नरक हो जाता। बुडको ने उसका सर्वे करके और उस पर 33 करोड़ रुपए का एक प्राकलन तैयार किया है, उस पर स्वीकृति होगी। और उसकी स्वीकृति के बाद मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के जिन वार्डों जल जमाव की समस्या है, उस समस्या से निजात मिल जाएगा। और जब जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगा तो सड़क का भी रख रखाव ठीक हो जाएगा, क्योंकि जल जमाव के कारण सड़कों का की स्थिति खराब हो जाती है। तो इसलिए उसके बाद उसको किया जाएगा, अभी उस पर करना है। दूसरा, मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोग 16 वार्ड को हमने चिन्हित किया, और 16 वार्ड को चिन्हित करने के बाद हमने ये पाया कि उन वार्डों में उन गरीब लोगों के शादी ब्याह मरनी हरनी में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो बारात को ठहरा सके, कोई आयोजन कर सके। इसलिए सभी 16 वार्ड में हमने अपने निजी कोष से, फंड से, एमपी सांसद का जो फंड होता है, उस फंड से सभी 16 वार्ड में एक एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है। और अभी घूम घूम के हम सभी कार्यकर्ताओं और सभी लोगों को यह कह रहे हैं कि सामुदायिक भवन जो हमने दिया है वो ठेकेदार और ठेकेदारी में पैसा कमाने के लिए हमने नहीं दिया है, लोगों के सुविधा के लिए दिया है। और उसके गुणवत्ता में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो सीधे मुझको शिकायत करिए, हम जांच कराएंगे और FIR। मांझी जी सर धरने पर बैठे हुए हैं, मांझी जी अपना धरने पर बैठ सकते हैं, कुछ तंत्र और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी को हम कह सकते हैं कि आप मत बैठिए, आपका भी मन होगा तो कल धरना पर बैठ सकते हैं। करें, महादलित का अपमान हुआ है सदन में, उनका महादलित का अपमान हुआ है। महादलित को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? सही ना कहा अपने? उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको बनाया, उनको सम्मान दिया, तो महादलित को तो सम्मान दिया मुख्यमंत्री जी ने कि उनको मुख्यमंत्री बनाया अपने जगह पर, तो अपमान कहाँ हुआ? सम्मान उन्होंने दिया। चलिए।